वन प्लस की जो 70 सीरीज है ना वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले ही लगभग मई के महीने में वन प्लस 7 सीरीज आई थी, यानी वन प्लस 7 7 प्रो आए थे, और अभी ढंग से 4 महीने हुए भी नहीं है और अब आपको वन प्लस 70 सीरीज देखने को मिलने वाली है। मतलब कि अगर मैं ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो 26 सितंबर को वन प्लस 70 जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में आपको अभी सिर्फ वन प्लस 70 ही देखने को मिलेगा। जो 70 प्रो का जो लॉन्च है वो आने वाले टाइम में आपको 10th अक्टूबर को लंदन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही बात कर तो OnePlus 70 अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ OnePlus अपना टीवी भी लाने वाली है। और फिलहाल के लिए बात करें ना तो जो OnePlus 70 है ना वो आपको इंडिया में सबसे पहले इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वो इंडिया और कुछ कंट्रीज के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। मतलब कि वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए 70 आपको सिर्फ लिमिटेड मार्केट्स में देखने को मिलेगा। वही बात करें 70 प्रो की तो एक इंटरनेशनल फोन है, इसलिए उसका लॉन्च है थोड़ा बाद में और वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसलिए अभी आपको 70 देखने को मिल रहा है, बाद में आपको 70 प्रो देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको आखिर वन प्लस 70 के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सारे इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट है वो है 6.55 इंच का डिस्प्ले, जो कि है एक 1080p डिस्प्ले, लेकिन ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले और HDR 10 प्लस के साथ आता है। मतलब कि क्वाड HD नहीं है, फुल HD 1080p डिस्प्ले देखने को मिलेगा और एक कर्व डिस्प्ले नहीं होगा, एक फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसी के साथ ही रैम भी इंक्रीज हो रही है और जो मिनिमम रैम आपको वन प्लस के फोन में देखने को मिलेगी वो होगी 8GB। इसके साथ ही स्टोरेज वर्जन में आपको 128/256GB देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर में अपग्रेड होने वाला है और वो होने वाला है स्नैपड्रैगन 855+। इसी के साथ ही बात करें तो पीछे कैमरास में वन प्लस 70 काफी सारे इंप्रूवमेंट्स लाने वाला है। यानी कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जिसका जो अपर्चर है वो होगा 1.6। इसके साथ ही OIS प्लस EIS के कॉम्बिनेशन के साथ होगा। इसके साथ ही सेकेंडरी कैमरा होगा ना वो होगा एक टेलीफोटो जूम लेंस जो कि 12 मेगापिक्सल का होगा और इसके अंदर आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। जो थर्ड कैमरा होगा ना वो होगा एक 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करेगा। मतलब कि पहले जब वन प्लस 7 के अंदर आपको डुअल कैमरा यानी 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, वहीं इस बार जो आने वाला वन प्लस 70 है इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है। तो ट्रिपल कैमरास के टर्म्स में इसमें इंप्रूवमेंट होने वाला है। और अगर कैमरा से रिलेटेड बात करें तो आपको काफी सारे नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइड एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वाइड एंगल का यूज करके आप नाइट स्केप यानी कि नाइट फोटोग्राफी को भी कर सकते हो, यहां तक कि जो एस्ट्रो फोटोग्राफी और जो लॉन्ग एक्सपोजर की फोटोग्राफी होती है उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्राइपॉड मोड देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइपॉड पे फोन को लगा तो फिर आप बहुत ही अच्छी नाइट स्केप वाली फोटोग्राफी कर पाओगे। इसके साथ ही इस फोन में आपको मैक्रो मोड भी देखने को मिलेगा, जिसका यूज करके आप मैक्रो मोड के अंदर फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन ये वाइड एंगल लेंस का यूज करेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग के टर्म्स में बात करें तो 960fps 720p में सुपर स्लो मोशन को भी वीडियो रिकॉर्ड करने में कैपेबल होगा और एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग का मोड होगा जो कि 1080p में सुपर स्टेबल मोड होगा, यानी EIS प्लस OIS का कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ ही अगला जो इंप्रूवमेंट होगा ना 70 के अंदर वो होगा बैटरी का, यानी कि बैटरी होगी 3800mAh की बैटरी और ये वॉर्प चार्ज 30T को सपोर्ट करेगी। यानी कि स्पेशल वर्जन है वॉर्प चार्ज का, जिसके अंदर उन्होंने जो बैटरी की जो चार्जिंग की जो स्पीड है ना उसे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर दी। यानी कि नॉर्मल चार्जर होने वाला जो वॉर्प चार्ज में होता है 5V 6A का, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है ना वो कुछ ऐसी होंगी, यानी कि 0-50% की बात करें तो फोन से 20 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा और वही बात करें 0-100 में कितना टाइम लगेगा तो वो लगेगा 65 मिनट्स, जो कि काफी अच्छी चीज है। और वॉर्प चार्ज 30T का आपको ये फायदे देखने को मिलने वाले। इसके साथ ही पीछे की तरफ नया मेड ग्लास लुक देखने को मिलेगा और नया जो ब्लू कलर आने वाला है वो भी देखने को मिलेगा आपको वन प्लस 70 में। इसी के साथ ही जो नया लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 है तो आउट ऑफ द बॉक्स वन प्लस 70 एंड्रॉइड 10 ऑक्सीजन OS के ऊपर चलता हुआ देखने को मिलेगा, तो भी काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और ओवरऑल कंपेयर करें तो जो वन प्लस 7 लॉन्च हुआ था उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा अपग्रेड है। मतलब डिस्प्ले अपग्रेड कर दिया, कैमरास को अपग्रेड कर दिया, बैटरी को अपग्रेड कर दिया, रैम बढ़ा दी, मतलब काफी सारी चीजें एज कंपेयर टू वन प्लस 7 आपको काफी इंप्रूव देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात करें वन प्लस 70 प्रो की तो उसके अंदर आपको इतने मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि काफी हद तक वो वन प्लस 7 प्रो जैसा होगा, यानी कि सेम डिस्प्ले 6.65 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ये साइड से कर्व्ड होगा। जो वन प्लस 70 है ना उसका 1080p डिस्प्ले और वो सामने से फ्लैट, इसमें कर्व देखने को मिलेगा। वन प्लस 70 प्रो में स्नैपड्रैगन 855 प्लस आने वाला है, मिनिमम रैम जो होगी वो
होगी 8GB और मिनिमम स्टोरेज और सिंगल स्टोरेज वर्जन जो आएगा ना वो आएगा 256GB। शायद 128GB का जो स्टोरेज ऑप्शन है ना वो इस बार OnePlus पूरी तरीके से हटाने वाली है 70 Pro लाइनअप के अंदर। इसके साथ ही 70 Pro में आपको एग्जैक्ट सेम कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जैसा आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिला था, यानी 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, f1.6 अपर्चर, EIS प्लस OIS का कॉम्बिनेशन, 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम यानी कि 3x टेलीफोटो जूम लेंस जैसा आपको 7 Pro में देखने को मिला था, तो आपको 70 Pro में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं 70 की बात करूं तो उसके अंदर आपको 2x जूम देखने को मिलता है, 70 Pro में 3x जूम आने वाला है। इसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, और बात करें तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर फीचर भी सेम होंगे जो कि कैमरा में मिलेंगे। तो काफी सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही है 70 के कैमरा के अंदर, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर फीचर आपको 70 Pro के कैमरा में भी देखने को मिलेंगे। और वही बात करें ओवरऑल बैटरी की, तो बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है, वो होने वाली है 4085 mAh की, यानी कि वॉट का 30T आएगा और थोड़ी सी बड़ी बैटरी, मतलब कि सिमिलर चार्जिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी 70 और 70 Pro के अंदर आपको। तो अगर ओवरऑल बात करें ना तो OnePlus 7 Pro 70 Pro में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब एग्जैक्ट सेम कैमरा दे रहे हैं, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर के फीचर्स दे रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी बैटरी और थोड़े बहुत चार्जिंग के फीचर है, बाकी एग्जैक्ट फोन जो है वो पूरा का पूरा सेम है। हाँ, बस मिनिमम 6GB 128GB वाला ऑप्शन खत्म करके 8GB 256GB पर आ गए हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। इसी के साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो OnePlus 70 Pro का एक स्पेशल एडिशन भी देखने को मिलेगा जो कि होगा मैकलेरन एडिशन, जैसे लास्ट ईयर OnePlus 60 का मैकलेरन आया था ना, तो ठीक आपको OnePlus 70 Pro का भी मैकलेरन एडिशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो मिनिमम रैम होगी वो शायद 10GB या 12GB हो सकती है। इसी के साथ ही स्पेशल 5G एडिशन भी देखने को मिलेगा जो कि OnePlus 70 Pro का ही 5G एडिशन होगा। OnePlus 70 में आपको कोई भी 5G एडिशन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये बात आप नोटिस करके रखिए। बाकी बात करें तो काफी हद तक जो फोन है 70 Pro और 7 Pro काफी सेम होने वाले, दोनों में पॉपअप कैमरा आने वाला है 16 मेगापिक्सल का। और वही बात करें 7 और 70 में, तो जैसा आपको 7 में नॉच देखने को मिलता था तो 70 में भी आपको नॉच देखने को मिलेगा, लेकिन नॉच का साइज शायद छोटा हो सकता है। और बात करें तो जो मेजर चेंजेस है ना 7 और 70 में, वो है डिस्प्ले के अंदर, कैमरा के अंदर और बैटरी के अंदर और प्रोसेसर के अंदर। और जो OnePlus 7 आया था ना उसके कंपैरिजन में जो 70 है ना वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा अपग्रेड लग रहा है, मतलब काफी सारी चीजें इंप्रूव करके दे रही है। और ये देख के लगता है कि हो सकता है OnePlus 70 की प्राइस ज्यादा हो सकती है, मतलब OnePlus 7 की प्राइस थी 33,000, तो शायद 70 की प्राइस हो सकती है 35 या 38,000। इसी के साथ ही 70 Pro की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो काफी तक 7 Pro जैसी हो सकती है, मतलब कि अराउंड 50,000 से वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन प्राइसिंग के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 26 सितंबर को जब OnePlus 70 लॉन्च होने वाला है, और 70 Pro जब आगे चल के लॉन्च होगा तब हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और बात करें तो OnePlus 70 के साथ OnePlus TV भी आने वाला है, और इस बार ना मैं OnePlus 70 फोन से ज्यादा OnePlus TV के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि आखिर OnePlus TV वाले मार्केट में क्या कर पाती है। बाकी आप लोग किसके लिए एक्साइटेड हो, OnePlus 70 के लिए, 70 Pro के लिए, OnePlus TV के लिए, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और आप लोगों को क्या लगता है कि OnePlus 70 की प्राइसिंग क्या हो सकती है, मतलब सेम 33,000 रखेंगे या उससे थोड़ी सी ज्यादा करने वाले, तो ये बात भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, यहां तक बने हो तो लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन दोस्तों को 70 के बारे में नहीं पता तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।